जिन अंग्रेजों ने हमसे लगान लूटा था, जिन अंग्रेजों ने हमें 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कूटा था, आज इंडिया ने सूत समेत उनसे दोगुना लगान वसूल लिया। हां जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया और कहा कि अबे बड़े आए ससुरे लगान लेने वाले, ससुर तुम लगान लोगे, स्पिन तो तुम खेल नहीं पाते हो, मतलब ऐसे ऐसे नाच रहे थे जडेजा और अक्षर के सामने, हमारा बॉलर गेंद फेंकता है तुम वहां 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 छटक रहे थे, मजाक समझ रखा। अबे हो गया यार, 2022 T20 वर्ल्ड कप में हम फ्लॉप चल रहे थे लेकिन ससुरे तुम हमको हराओगे, कमाल है यार, कमाल है। इंडिया ने इंग्लैंड को जिस अंदाज में हराया है और जिस अंदाज में फाइनल में एंट्री ली है, ऐसा लगता है कि यार इंडिया ने एकदम बिल्कुल लगान मूवी को वापस जिंदा कर दिया। और अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या लगान 2.0 तो नहीं आ गया है, मतलब दो गुना लगान। इंडिया और इंग्लैंड के मुकाबले को लेकर तमाम क्रिकेट एनालिस्ट ये मान रहे थे कि जो ये मैच जीतेगा वो फाइनल जीतेगा, वो बेहतर टीम है, वो शानदार टीम है। इंडिया ने फिलहाल बताया कि वो कमाल की टीम है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं अब फाइनल में हमारी ट्रॉफी दूर नहीं। इंडिया ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को ठीक ठाक फेंटा लगा कर हराया, 68 रनों की जीत जो थी वो एक जबरदस्त जीत थी और साइकोलॉजिकल मॉरल एक मजबूत टीम के तौर पर फिलहाल वो आगे जा रहे हैं। 2022 में इसी इंग्लैंड ने हमें सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया था, वो बहुत पेनफुल था हमारे लिए, वो यादें बड़ी पेनफुल थी। हमने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, लोगों के कर्मा लौटते, हमारे शर्मा जी लौटे थे और हमारे शर्मा जी क्या खूब लौटे, क्या खूब लौटे। विराट का विकेट गया, पंत का विकेट गया, लेकिन शर्मा जी ने कहा भाई रुको जरा, कर्मा वर्मा पर बिलीव नहीं है, हमारा शर्मा है। कप्तान अंग्रेजों पर भारी पड़ा और फिर ऐसा भारी पड़ा कि फिर जो फिल्म में दिखाया गया था वो कहानी रिपीट हो गई। इंडिया ने पूरे मैच में डोमिनेट किया, कुलदीप ने वो काम किया जो कचरा ने किया था लगान में, कमाल है यार। रोहित ने वो काम किया जो आमिर खान ने किया था उस फिल्म में, और जबरदस्त यार, मतलब अद्भुत था, अविश्वसनीय था। अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना, जिस तरह से टर्न आई उसका इस्तेमाल करना, और जिस तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया है, इंग्लैंड कहीं एग्जिस्ट नहीं किया। कुलदीप ने 4 ओवर में 3 विकेट निकाले, अक्षर ने 4 में 3 निकाले, बापू तो कमाल छे, बापू ने शुरुआत में ही 4 में से 3 निकाल दिए थे और वहीं मैच खत्म कर दिया था जब बटलर का विकेट निकाला था, जॉनी बेरिस्टो का विकेट निकाला था, मोइन अली का विकेट निकाला था, वहीं मैच क्लियर हो गया था। इंडिया के गेंदबाजों ने 16.4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें हैरानी की बात यह 11 ओवर स्पिनर के गए और इसी में रोहित शर्मा ने लगान का हिसाब ले लिया, कहा जी पूरा लगान वसूल करेंगे। हालांकि रोहित ने बल्ले से भी लगान वसूला था, 39 गेंदों पर 57 रन की जो पारी थी वो अद्भुत पारी थी, लगान वसूलने वाली पारी थी और उस पारी से इंडिया का जलवा जलाल था। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उन्होंने तगड़ी पारी खेली थी, 92 रनों की पारी खेली थी, इंग्लैंड के सामने 57 रनों की पारी खेली थी। 37 साल की उम्र में रोहित शर्मा ने बताया कि बदला तो होता है, जबरदस्त बदला होगा और पूरा लगान जो लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया खुश है क्योंकि अंग्रेजों से भले ही हम अपना कोहिनूर वापस नहीं ला पाए लेकिन अपना गौरव, अपना गुरूर, अपना बदला जरूर ले पाए। इसके लिए कई लोग जिम्मेदार हैं, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 36 में 47 रन बनाए, हार्दिक पांड्या जिन्होंने 13 पर 23 बनाए, रोहित शर्मा जो इतिहास पर इतिहास रचते जा रहे हैं, पहले कप्तान बन गए जिन्होंने नॉकआउट मैच में कैप्टन के तौर पर शतक लगाया, ये सारी चीजें रही। बदला तो पूरा हो गया यार, बदला 2021 का, 2022 का, 2023 का, सबका बदला पूरा हो गया। 2022 बार बार मैं कह रहा हूँ कि 2021 में पाकिस्तान ने 10 विकेट हराया था, 2022 में इंग्लैंड ने 10 विकेट हराया था, 23 में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, इन सब का हिसाब पूरा हो गया। लेकिन इंग्लैंड के सामने जो ये लगान था ये इंडिया का मोराल बढ़ा कर जाएगा कि हम यार पाकिस्तान को हरा कर आए, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए, हम इंग्लैंड को हरा कर आए और फाइनल में हम साउथ अफ्रीका को हरा कर जीत जाएंगे, लगान वसूल होगा, पूरा पैसा वसूल होगा, कमाल यार। इंडिया की टीम यार बल्ले बल्ले यार, मतलब लेट्स जस्ट होप कि हम एक मैच में और ये फॉर्म कंटिन्यू करें और जो इस बार 68 रन से दोगुना लगान हमने वसूला है इसे अगले भी मैच में साउथ अफ्रीका के सामने वसूलें। साउथ अफ्रीका के सामने बस ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बाकी तो इस बार वर्ल्ड कप हमारा।